हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम ये न्यू बोर्न बेबी के लिए पिल्लो बनाएंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से पिल्लो बना है, दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, एकदम मार्केट स्टाइल का बना है हमारा, तो इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पिल्लो बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े की कटिंग कर ली है, ये चार पीस है हमारे कपड़े के। तो मेजरमेंट में ये हमारा है यहाँ से 9 इंच और इस साइड से हमारा है 10.5 इंचेस। ये कपड़े के हमारे चार पीस हैं, तो दो पीस मैं इस तरह से रख लूँगी और दो पीस हम यूज़ करेंगे। तो ये पीस हम इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखा। इसके ऊपर हमें इसी सेम साइज़ का हमें एक जैसे फोम लिया है, ये फोम ले लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास फोम नहीं है तो जैसे हमारे टावल आते हैं वो ले सकते हैं। तो ये हम इस तरह से रखेंगे और ये पीस ऐसे रखेंगे, ये इस तरह से सेट करके रख लेंगे। अब जैसे ये स्केल है हमारे पास, तो इसे हमें इस तरह से इस कॉर्नर से ऐसे रखना है। तो लाइन लगा लेंगे, फिर इस लाइन के ऊपर ही हमें लाइन ये स्केल रखना है और फिर से लाइन लगा लेंगे, ऐसे पूरे पे लाइन लगाएंगे। ये हमारी ऐसी लाइनें लगी है, अब इस तरह से भी हमें लाइनें लगा देनी है। अब जैसे लाइनें लगाई हैं वैसे ही हमें सिलाई लगा देनी है। पहले ये हमें इस तरह से लगा ली, उसके बाद ऐसे लगा देंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हमें जैसे ये पिन्स हैं, पिन्स लगा के कपड़ा सेट कर लेना है, जिससे हमारा कपड़ा हिलेगा नहीं, उसके बाद हम सिलाइयाँ लगाएंगे। सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। इसके बाद हमारी जैसे फोम थोड़ी बड़ी ली थी मैंने, आधा आधा इंच, तो इसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। ये पीस हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल लगाने के लिए ये मैंने दूसरा कपड़ा लिया है, दूसरे कलर का कपड़ा। जैसे इस तरह से मैंने कटिंग की है, ये हमारा 2.25 इंच लेंगे हम। इसको हमें सिंगल ही लगाना है, डबल लगाना है, तो आप जैसे 3 इंच ले लें, फिर उस तरह इस तरह से फोल्ड करके डबल लगाएं। तो मैं यहाँ पे सिंगल लगा रही हूँ, 2 इंच का है हमारा। तो यहाँ पे पहले मुझे सिलाई लगानी है, इस तरह से ये फोल्ड किया कपड़ा और यहाँ पे पूरे में हमें सिलाई लगानी है। तो लंबा कपड़ा लेना है हमें, जैसे ये हमारा जितना है यहाँ का टोटल आएगा, इससे हमें डबल लेना है कपड़ा। ये लंबी स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली है इस तरह से सिलाई लगा के। अब हमें यहाँ से जैसे प्लीट्स डालने हैं, इस तरह से छोटे छोटे प्लीट डालते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे, तो हमारी ये फ्रिल रेडी हो जाएगी। ध्यान रखना है जो भी हम प्लीट्स डालेंगे वो हमारे एकदम बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे सिलाई लगा के प्लीट्स बनाते हैं। ये फ्रिल मैंने रेडी कर ली है, इस तरह से हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। तो इस फ्रिल की जगह हम लेस भी लगा सकते हैं, जैसे सॉफ्ट हमारी थ्रेड की लेसेस आती हैं वो हम लगा सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे इस फ्रिल को हमें अटैच करना है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं लूँगी, तो यहाँ से हमें पिन लगा लेनी है, इस तरह से पिन लगा लेंगे। इस तरह से हमें ऐसे लगानी है यहाँ से, तो यहाँ भी मैं पिन लगा लूँगी। ऐसे फ्रिल को हमें पिन के साथ अटैच कर देना है, ये चारों ओर यहाँ तक। ये फ्रिल को मैंने यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर दिया है पिन के साथ। अब हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से पूरे राउंड में यहाँ तक सिलाई लगाते हैं। ये लेस मैंने यहाँ पे सिलाई करके अटैच कर दी है। अब ये देखिए हमारी, जैसे ये हमारी फ्रिल है, तो इस तरह से ये कपड़ा उठा हुआ है, यहाँ से हमें पिन लगा लेनी है क्योंकि दूसरा कपड़ा हमें सेट करना है। तो ये हमारे जो फ्रिल के प्लीट्स हैं एकदम यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सिलाई में भी हमारे आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे चारों कोनों में इस तरह से सेट कर लेंगे। फ्रिल हमारी इस तरह से सेट हो गई है। इसके बाद हमने ये पहले दो पीस काटे थे, ये भी हमने साइड में रखे थे, इनको हमें इसके ऊपर दोनों को बराबर करके ऐसे रख देना है। अब जैसे इस तरह से रख दिया, तो इस तरह पीस को हम पलटेंगे, ये मैंने पलटी कर दिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसका हमारा यहाँ से सेंटर है, जैसे 10 इंच है, तो यहाँ पे हमारा 5 इंच आएगा। यहाँ से हमें जैसे 4 इंच कपड़ा छोड़ लेना है इस तरह से, ये 4 इंच पे मैंने निशान लगाया, यहाँ पे हमारी सिलाई नहीं आएगी। बाकी हम जैसे यहाँ से लेके पूरा सिलाई करेंगे, यहाँ तक सिलाई हम, ये जो मैंने लेस लगाई है इसकी सिलाई हमारी आई है, इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब जैसे हमारा अगर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है तो उसे हमें कट कर लेना है यहाँ पर, तो उतना ही रखना है जैसे आधा इंच तक, बाकी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब जैसे हमने यहाँ पे सिलाई यहाँ पे नहीं लगाई थी, यहाँ से हमें सीधा कर लेना है।
कि इस तरह से हमारा सीधा हो गया है। से मैंने ये सीधा कर दिया है पिल्लो को, तो अब हमारा इस शेप में आ गया है। देखिए हमारी फ्रिल एकदम बराबर बैठी है दोनों साइडों से। इसके बाद ये जैसे ओपन साइड है इसे हमें ऊपर को रखना है इस तरह से। अब जैसे ये साइड है हमारी, इसका हमें सेंटर लेना है। जैसे ये साढ़े नौ है तो इसका हम सेंटर लेंगे, तो ऐसे लेंगे, सेंटर हो गया हमारा ये। और ऊपर को हमें जैसे 4 इंच पे इस तरह से सीधा निशान लगाना है। ये 4 इंच पे निशान लग गया। अब जहाँ से हमें 2 इंच लेना है इस साइड को, ऐसे लिया, और इस साइड को भी 2 इंच लेना है इस तरह से। यहाँ से हमें इस तरह से राउंड में मिला देना है इसे। जैसे ये पार्ट है हमारा, तो इसे हमें इस तरह से राउंड में मिला देना है। ये इस तरह से राउंड में मिला दिया है। अब हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहाँ भी डबल लगा लेंगे। तो सिलाई लगाती हूँ, यहाँ पे सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हमारे बेबी का हेड आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये इस तरह से सिलाई छोड़ी है, तो इसे मैं इस तरह से रखूँगी। तो यहाँ पे हमें रुई फिल करनी है, तो इस तरह से ये मैंने रुई ली है। रुई को हमें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे फिल करना है, जैसे किसी पेंसिल की मदद से ऐसे आगे तक हमें इस तरह से फिल करना है। ये इस तरह से रुई को मैंने फिल कर दिया है। जितना हमारा जैसे ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा लूज रखना है, इतना हम रुई डालेंगे। शेप में हमारा ये बेबी का पिल्लो आ गया है। अब जैसे ये हमारा ओपन स्पेस है, रुई हमारी फिल हो गई है, ये ओपन स्पेस है, इसे हमें सिल लेना है। नीडल में हमें डबल धागा डाल लेना है, और ये स्पेस है हमारा, यहाँ से हमें ऐसे छोटे छोटे स्टिच लेके यहाँ पे पूरा सिल देना है इसे। मशीन से अगर होता है तो मशीन से भी हम सिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे स्टिच लगाने हैं और इसे सिल देना है पूरे को। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब देखिए हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए पिल्लो बन के रेडी हो गया है। दोनों साइड से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये सेंटर में हमने इस तरह से रखा है, तो यहाँ पे बेबी का हेड रहेगा, तो ये सपोर्ट रहेगा हेड के लिए। तो जैसे छोटा बेबी होता है, कहीं भी सिर उसका होता है जहाँ पे एक साइड में रहता है, तो छोटा हो जाता है जैसे उनका हेड एक साइड से। तो इस तरह का पिल्लो आप बनाएंगे तो बेबी का हेड एकदम सेंटर में रहेगा और चपटा भी नहीं होगा। तो पिल्लो हमारा बन के रेडी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।